गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस के बारे में। आज मैं बात करूंगा सांस की बदबू के बारे में। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं सांस में बदबू के बारे में बात करूंगा, इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में बात करूंगा, इसके कॉजेज या रीजंस के बारे में बात करूंगा, कैसे इसे डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में बात करूंगा, एंड वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑल्सो। नाउ, जहां तक सांस में बदबू का सवाल है, ये साइंस ऐसा मानती है कि ये हर एक की सांस में बदबू आती है कभी ना कभी। जो बैड ब्रेथ है या सांस में बदबू है, इसको साइंटिफिकली दो नामों से और जाना जाता है। नंबर वन इज द हेलिटोसिस और फिटार ओरिस। ये दो और नाम है जिसके नाम से भी सांस की बदबू को माना जाता है। सही बात यह है कि जो सांस में बदबू है, यह आपके मुंह से आ सकती है, ये आपके दांतों से आ सकती है, ये कभी कभी अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते भी आ सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो आपको सांस में बदबू आती है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये कभी कभी परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है जो मेडिकल अटेंशन मांगती है। अगर हम अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन को देखें तो उनका ऐसा मानना है कि इन देयर लाइफ टाइम 50% पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड जिसको हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ या सांस में बदबू की प्रॉब्लम होती है। नाउ लुक एट द सिम्टोमेटोलॉजीज कि सांस की जो बदबू है उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे। नेचुरली सबसे पहली चीज, आपकी सांस में बदबू आएगी। साइंस ऐसा मानती है कि आपके मुंह में एक जो स्वाद है वो भी खराब रहेगा, बैड टेस्ट रहेगा। यह भी बात सही है कि अगर आपकी सांस में बदबू है, इंडिया वास्तव में आपके मुंह से या दांतों से नहीं आ रही है, अंडरलाइन किसी डिजीज से आ रही है, तो आप ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, मुंह को क्लीन करें तो भी यह बदबू जाएगी नहीं। तो अगर ब्रश करने से भी आपके मुंह की बदबू नहीं जा रही है, तो साइंस ऐसा मानती है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यह अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन है जिस पर शायद आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर हम कारणों को ध्यान से देखें तो नंबर वन पर जो कारण आते हैं वो है पुअर डेंटल हाइजीन। वास्तव में हमारा जो मुंह है इसके अंदर बैक्टीरिया की खजान होती है। इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके रेसिडुअल जो पार्टिकल हमारे मुंह में होते हैं, दांतों के बीच में होते हैं, दांतों और मसूड़ों के बीच में होते हैं, अगर हम इन्हें साफ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में है वास्तव में इन मटीरियल्स को डिके करते हैं, इनको सड़ाते हैं, और इनको चूंकि सड़ाते हैं तो उसके चलते आपके मुंह में बदबू होती है। अगर आप फ्लॉसिंग रेगुलरली करते हैं, आप अपने मुंह को रेगुलरली साफ करके रखते हैं, आप ब्रशिंग रेगुलरली करके चलते हैं, तो ये जो ट्रैप्ड फूड मटेरियल होता है ये वास्तव में आपके मुंह में नहीं रहने पाता है। अगर ये फूड मटेरियल नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया इनके ऊपर काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया इनके ऊपर काम नहीं करेगा तो ये डिके नहीं होगा, और ये डिके नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, तो आपके मुंह से बदबू आएगी नहीं। नो, अगर आप ब्रश रेगुलरली नहीं करते हैं तो वास्तव में आपके जो दांत होते हैं इनकी जो सरफेस है इसमें एक लिक्विड जमा होने लगता है या एक मटेरियल होने जमा होने लगता है जो प्लेक बनाता है, जिसे प्लेक्स कहते हैं। ये जो प्लेक्स हैं अगर इनको आपने साफ नहीं किया तो वास्तव में ये बदबू क्रिएट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने प्लेक्स को साफ नहीं किया तो वास्तव में यही आपके दांतों में कैविटी बनाते हैं, और कैविटी बनाने के बाद यही वास्तव में बहुत सारी पेरिओडोंटल डिजीज उनको जनरेट करते हैं। तो एक बार आपको अगर कैविटी डेवलप हुई तो वास्तव में आपको सांस में बदबू एक परमानेंट फीचर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डेंचर पहनने पड़ते हैं, चाहे वो पूरे के पूरे डेंचर हो चाहे पार्ट्स में डेंचर हो, अगर आप उनको निकालकर रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो उनके चलते भी आपको सांस में बदबू आने की काफी संभावना होती है। द नेक्स्ट आर द स्ट्रॉन्ग फूड्स एंड बेवरेजेस। आप देखिए कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। देयर आर सर्टेन फूड्स, जैसे आप प्याज खाते हैं या अनियंस खाते हैं, आप गार्लिक खाते हैं या लहसुन खाते हैं, या इस तरह के बहुत सारे जो फूड हैं वास्तव में इनमें कुछ ऑयल्स होते हैं। ये जो ऑयल्स होते हैं ये जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो ये ऑयल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये ऑयल्स एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं और उसके बाद हमारे जो फेफड़े में पहुंचकर सांस में निकलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो चीजें आपने यूज की हैं, जैसे आपने लहसुन यूज किया है, प्याज यूज की है, इसकी जो स्मेल है आपको 3 दिन तक आ सकती है, 72 आवर्स। एक्चुअली ये एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में, आपके ब्लड में जाती है एंड आपकी सांस में से उसकी स्मेल निकलती है। ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग कॉफी है या अल्कोहल है, इनकी जो स्मेल है ये भी आपकी सांस के थ्रू ही आती है, क्योंकि ये चीजें आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये एक्सहेलेशन में आपके लंग्स के थ्रू बाहर निकलती हैं। नंबर 3 पर आती है स्मोकिंग। अब अगर आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो सिगरेट्स हो,
चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगार हो, ये भी बहुत सारी सांस में बदबू लेके चलती है। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के चलते आपका जो मुंह है या आपकी जो ओरल कैविटी है इसमें एक ड्राइनेस होती है, जो ड्राइनेस होती है उसके चलते आपको सांस में बदबू आती है। नाउ अगर आपका मुंह ड्राई रहता है या ओरल कैविटी ड्राई रहती है तो भी आपको सांस में बदबू आएगी। नाउ ये देखने की जरूरत है कि आपको ड्राइनेस क्यों रहती है माउथ में। जो ओरल कैविटी में ड्राइनेस है वो वास्तव में तभी आती है जब आपकी वो आपके मुंह के अंदर सलाइवा या जो लार है वो कम बनती है। एक्चुअली जो सलाइवा है हमारे मुंह को मॉइस्ट करके रखता है और अगर ये माउथ को मॉइस्ट करके रखेगा तो जो बदबू आने की संभावना है वो हमेशा कम होगी। जहां तक ड्राइनेस का सवाल है, वास्तव में हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये लार ग्रंथियां होती हैं, ये लगातार लार बनाती हैं। लार बनाने से हमारा जो मुंह है या ओरल कैविटी है ये मॉइस्ट रहती है। अगर ये मॉइस्ट रहती है तो सांस में बदबू आने की संभावना कम होती है। अगर आपको कोई स्लाइवरी ग्लैंड की डिजीज है तो आपको ड्राइनेस होगी एंड आपको सांस में बदबू आएगी। अगर आप मुंह खोल के सोते हैं तो आपकी ओरल कैविटी में ड्राइनेस होगी तो आपको सांस में बदबू आएगी। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन ली जाती हैं। ये जो सब मेडिसिन हैं वास्तव में आपकी जो ओरल कैविटी है उसको ड्राइनेस करती हैं। और एक बार ओरल कैविटी को अगर ड्राइनेस करेंगी तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको सांस में बदबू आने की संभावना बढ़ेगी। नंबर चार पर आते हैं पेरिओडोंटल डिजीज। इसका मतलब यह है कि दांत और उसके नीचे की जो का एरिया है, जो गम्स हैं, वास्तव में उनमें जो बीमारियां हैं वो सांस में बदबू लेके आती हैं। एंड पॉसिबली दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। होता क्या है कि आपकी जो दांत हैं अगर आप प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं तो उनमें प्लेक फॉर्मेशन होते हैं। अगर आप उन्हें साफ नहीं करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैविटीज बनती हैं। ये जो प्लेक्स होते हैं वास्तव में अगर आप साफ नहीं करते हैं तो ये टार्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार ये टार्टर में कन्वर्ट हुए तो आप ब्रश भी करेंगे तो आप टार्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। एक बार टार्टर में कन्वर्ट हुए तो वास्तव में आपके जो दांत और मसूड़े हैं इनके बीच में ये पॉकेट्स क्रिएट कर देते हैं। और एक बार ये जो पॉकेट्स किए तो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, इनमें जब भी आप खाना खाते हैं तो उनका जो मटेरियल है वो सब इन पॉकेट्स में जाके बैठ जाता है। अगर इन पॉकेट्स में जाके बैठेगा तो वास्तव में जो बैक्टीरिया हैं इसको डिके करेंगे, इसको सड़ाएंगे और इसके चलते आपको बदबू आएगी। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जो पेरिओडोंटल डिजीजेस हैं ये आपके मुंह से बदबू आने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। द नेक्स्ट इन लाइन इज द साइनस माउथ एंड द थ्रोट कंडीशंस। आप जानते हैं कि अगर आपको साइनसाइटिस है या साइनस में इंफेक्शन है, अगर आपकी नाक के पीछे से पोस्ट नेजल ड्रिप है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, अगर कोई आपके गले में या यहां पर इंफेक्शन है या आपके टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम है तो ये कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां से आपको सांस में बदबू आने की काफी संभावना होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ सिस्टमिक डिजीजेस हैं, जैसे आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है, अगर आपको बहुत सारे खर्राटे आते हैं या आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो ये पांच कैटेगरीज हैं जिसमें आपको वास्तव में सांस में बहुत बदबू आने की संभावना है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको अंडरलाइंग किडनी की प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग लीवर की प्रॉब्लम है, तो आपकी जो सांस है उसमें कुछ फिशी स्मेल आती है, जैसे मछली की गंध जैसी स्मेल आने का खतरा होता है। ऐसे ही अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज है तो आपकी जो सांस है उसमें वास्तव में कुछ फ्रूटी स्मेल आना चालू हो जाती है। नो, अगर आपको सांस में बदबू है तो वास्तव में उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाएगा? सही बात यह है कि आपको अपने डेंटल सर्जन को विजिट करने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दे आर द बेस्ट जज इस चीज को जज करने के लिए कि आपकी सांस में प्रॉब्लम है या सांस में प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप डेंटिस्ट को दिखाने जाएं तो मॉर्निंग अपॉइंटमेंट में जाएं, जब आप दिखाने जाएं तो बिना ब्रश किए हुए जाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिना ब्रश किए हुए जाएं। आप अपने डेंटिस्ट को बताएं कि आपकी ब्रशिंग की हैबिट कैसी है, आपकी फूड हैबिट्स कैसी है, आप बताएं कि आपको कहीं कोई एलर्जी तो नहीं है, ये चार चीजें जरूर बताएं। आप डॉक्टर को बताएंगे कहीं आपको स्नोरिंग या खर्राटे तो नहीं आते हैं, आप डॉक्टर को बताएं कि आप कहीं कोई दवाइयां तो नहीं लेते हैं, बिकॉज जैसा मैंने कहा बहुत सारी दवाइयां सांस में बदबू लेके चलती हैं। एंड सही बात यह है, साइंस ये रिकमेंड करती है कि जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो आप अपने पार्टनर को लेके जाएं, बिकॉज दे आर द बेस्ट जज एंड द विटनेस टू टेल कि आपकी सांस में बदबू आती है या नहीं आती है। वास्तव में डॉक्टर आपकी जो बदबू है या आपकी ओरल कैविटी है उसको स्मेल करके इस चीज को फाइंड आउट करेगा कि आपकी जो बदबू है ये मुंह से आ रही है,
नाक से आ रही है या जीभ के एरिया से आ रही है। अगर इन एरिया से नहीं आ रही तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको सलाह दे सकता है कि आपको अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बदबू है देखने से सिस्टमेटिक डिजीज का एक हिस्सा लगती है। नो, अगर आपको सांस में प्रॉब्लम है या बदबू है तो वास्तव में ट्रीटमेंट की लाइन पर क्या किया जाएगा? वास्तव में अगर आपको प्लेक बिल्डअप हो रहे हैं जैसा कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, उसके चलते आपको सांस में बदबू है, तो वास्तव में आपको डेंटल क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा प्लेक्स डेवलप हो गए हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको डीप डेंटल क्लीनिंग की जरूरत पड़े ताकि आपकी पेरिओडोंटल जो डिजीज है उसको ठीक किया जा सके। अगर आपको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जैसे साइनस में इंफेक्शन है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर फेलियर है, वास्तव में तो इनको ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके सिलाइवरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है जिसके चलते सिलाइवा कम बनता है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ आर्टिफिशियल सिलाइवा जैसे प्रोडक्ट दिए जाएं सो दैट आपका जो मुंह है वो लिक्विफाइड रहे और उसमें ड्राइनेस नहीं होने पाए। दीज आर दी एरियाज जिनसे सांस की बदबू है उनको ट्रीट किया जा सकता है। बट ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको प्रिवेंट करने की जरूरत है, आपको प्रिवेंशन सीखने की जरूरत है। प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? साइंस ऐसा मानती है कि आपको ब्रश रोज दो बार करना चाहिए, ब्रश आपको रोज दो बार करना चाहिए। डोंट डू ओवर डू इट बट डू ट्वाइस अ डे। साइंस ऐसा मानते हैं कि आपके दांतों की जो फ्लॉसिंग है जैसा कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है एक बार जरूर करना चाहिए ताकि दांतों के बीच के जो फूड मटेरियल है उनको साफ किया जा सके। आपको एक बार एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज करना चाहिए ताकि अनवांटेड बैक्टीरिया आपकी ओरल कैविटी में ना रहे। नंबर तीन, आपको अपनी जो टंग है उसको जरूर क्लीन करना चाहिए। जो टंग है उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया का बिल्डअप होता है, इसलिए टंग क्लीनिंग चाहे आप ब्रश से करें या टंग स्क्रबर से करें लेकिन उसको साफ करना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। साइंस ऐसा मानती है कि आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे तो आपको लार ठीक बनेगी, आपको लार ठीक बनेगी। अगर सिलाइवा मुंह में रहेगा तो जो एक बैड ब्रेथ या बैड ऑडर या हेलिटोसिस है उसकी संभावना हमेशा कम हो जाएगी, इसलिए पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपको ओरल कैविटी से बदबू आती है तो आपको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। आपको अगर तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, ये सब उस तरह के प्रोडक्ट हैं जो आपको बंद करने की जरूरत है। अगर आप डेंचर्स वियर करते हैं चाहे वो फुल डेंचर्स हो चाहे वो पार्शियल डेंचर्स हो, आप उनको निकालना चाहिए आपको और उनको वास्तव में प्रॉपर उनकी क्लीनिंग करनी चाहिए। आपको अपना जो टूथब्रश है, साइंस ऐसा मानती है कि एटलीस्ट जो टूथब्रश है वो 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ब्रश डिफॉर्म हो जाता है एंड ये इनइफेक्टिव हो जाता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि आपको अपने डेंटिस्ट को एटलीस्ट 6 महीने में एक बार दिखाना चाहिए सो दैट ये जज किया जा सके कि आपके ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हेलिटोसिस है वो हमेशा नॉर्मल नहीं है। हेलिटोसिस या सांस में जो बदबू है कभी कभी बीमारी का संकेत होती है। यह बीमारी टेम्परेरी हो सकती है, यह बीमारी परमानेंट हो सकती है, यह बीमारी लोकल ओरल कैविटी की हो सकती है, यह सिस्टमेटिक डिजीज हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है सो दैट यह डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि यह ओरल कैविटी से प्रॉब्लम आ रही है या आपको अंडरलाइन कोई डिजीज है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही आपको वास्तव में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकेगा। एंड एक बार इन्वेस्टिगेशन करके इसको फाइनल किया जाए तभी आपको इसको प्रॉपरली ट्रीट करा पाएंगे। अगर बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसे जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।